हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सब सभी का स्वागत है टेकमेन का एक नया वीडियो पे। सो फाइनली दोस्तों बोट के तरफ से एक नया नेक बैंड को लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है बोट रॉकर्स C30। तो ये जो बोट रॉकर्स C30, इसी के बारे में आज के वीडियो पे हम बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अगर इस बोट रॉकर्स C30 के लुक्स एंड डिजाइन वगैरह का बात करते हैं तो देख के ही पता चलता है कि एक हाई क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल से बना है। अगर मैं बात करता हूँ ईयर हब वगैरह का तो वहां पे एक टिल डिजाइन देखने को मिलता है, जहां पे जो ईयर टिप्स है वो ईयर हब का जो मेन चेम्बर है उससे थोड़ा टिल्ट है, तो इसके चलते आपके कानों के अंदर काफी अच्छे से सेट हो जाता है। और जो ईयर टिप्स है वो हाई क्वालिटी सिलिकॉन से मटेरियल से बना हुआ है, तो इसके चलते जो सॉफ्टनेस है वो भी काफी ज्यादा है, तो कानों के अंदर आपको ज्यादा दर्द दिक्कत नहीं होने वाला है। इवन दोस्तों यहाँ पे बोट एक फिन को भी प्रोवाइड किया गया है जिसको आप ईयर हुक भी बोल सकते हो, तो इसके चलते आप अगर ये नेकबैंड को कानों पे पहन के रनिंग वगैरह या जॉगिंग कर रहे हो या जिम वगैरह कर रहे हो तो वो कान से निकल जाने का कोई भी डर नहीं रहता है, और उसके चलते वो जो प्रोडक्ट है वो कानों के अंदर काफी अच्छे से सेट रहता है, तो म्यूजिक सुनने का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है। उसके साथ अगर मैं बात करता हूँ इसी रॉकर्स 330 के बैटरी वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 150 mAh का बैटरी प्रोवाइड किया गया है जिसके चलते कंपनी क्लेम कर रही है ये 30 घंटा तक आपको बैकअप दे देगा। मेरे को नहीं लगता है, ऑब्वियसली ये आपकी यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने वॉल्यूम पे आपकी जो कंटेंट है उसको कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप 100% वॉल्यूम पे कंज्यूम कर रहे हो तो मेरे को लगता है एटलीस्ट 20 से 22 घंटे का बैकअप जो है वो आपको मिल जाएगा। हाँ, इनिशियली आपको 25 घंटे के ऊपर मिल सकते हैं, बट धीरे धीरे जब भी टाइम जाएगा इसका बैटरी कैपेसिटी कम होता रहता है, तो 20-22 घंटा आप पकड़ सकते हो, आपको जो है वो बैटरी बैकअप ये प्रोवाइड कर देगा। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फास्ट चार्जिंग वगैरह का, तो कंपनी फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। बोट ये क्लेम करता है कि ये जो बोट रॉकर्स C30 है इसको आप 10 मिनट चार्ज करोगे तो 10 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। फिर भी मैं वही बोल रहा हूँ, यूसेज के ऊपर डिपेंड करके 7 से 8 घंटा का बैकअप जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। अगर ये वाटर रेजिस्टेंट है कि नहीं इसके बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। इस पर आपको जो स्वेट रेजिस्टेंट है ये स्प्लैशेस जो है उसको डिफेंड कर सकता है। कोई भी आप लेके इसके पानी के अंदर मत चले जाना, ये छोटा मोटा जो वाटर स्प्लैशेस होते हैं या स्वेट स्प्लैशेस होते हैं उसको ये काफ़ी अच्छे से हैंडल कर देगा, इस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करता हूँ साउंड वगैरह का, तो साउंड के अंदर यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 10 mm का ड्राइवर देखने को मिलता है, तो ये जो 10 mm का ड्राइवर है इसके चलते जो साउंड क्वालिटी है जो बेस है वो आप लोगों को काफ़ी बैलेंस्ड एंड सूदिंग तरीके से मिल जाएगा। इवन दोस्तों यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 का उपयोग किया गया है, तो इसके चलते ये जो डिवाइस है 10 मीटर के दूरी पर काफ़ी अच्छे से काम कर जाता है, उसके बाद यहाँ पे जो कनेक्शन लॉस्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ऑब्वियस बात है कि ये जो बोट रॉकर्स C30 है इसका साउंड क्वालिटी भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिलेगा, बेस भी बैलेंस्ड और अबव एवरेज जो क्वालिटी है उसी हिसाब से देखने को मिलेगा। बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन वगैरह है वो भी, वोकल्स वगैरह वो भी सही मिलेगा, बट इसके ऊपर मैं एकदम से अपना कंक्लूशन या वर्डिक्ट नहीं दे सकते बिकॉज मेरे पास अभी वो प्रोडक्ट नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर वो प्रोडक्ट मेरे को मिल जाए, मैं देखता हूँ भाई अगर मैं कर पाऊँ तो, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है तो मेरे को पता नहीं कब तक वो स्टॉक पर रिटर्न होगा और मैं बाय करके आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। फिर भी अगर आप लोग इसको खरीद रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खरीदे हो तो अगर आप लोग इसको खरीदना चाहते हो तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप लोग जाके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा ऑल ओवर द चीज़ देख के, बट हाँ यूज़ करने के बाद पता चलेगा कैसा प्रोडक्ट है। तो चलो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जो बोट रॉकर्स C30 है प्राइस के हिसाब से सही सही परफॉर्मेंस दे देगा। अगर मैं इसका प्राइस वगैरह का बात करूँ तो 1299 इसका प्राइस है, मतलब 1299 इसका प्राइस है, और उस प्राइस के हिसाब से मैं अगर ऑल ओवर द चीज़ का बात करूँ तो काफ़ी बैलेंस्ड एंड काफ़ी सही आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो आप लोग इसको आराम से बाय कर सकते हो। और बोट का ब्रांडिंग जो है वो भी काफ़ी ट्रस्टवर्थी ब्रांड है, तो आप लोग उसको आराम से बाय कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो पे इतना ही बोलना था बोट रॉकर्स C30 के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।